नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो। परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज का देव तत्व में स्थान बहुत ऊंचा है। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाते हैं जो कि सत्य घटना भी है और जहाँ प्रभु श्री हनुमान जी स्वयं आकर भक्त को आशीर्वाद देकर आदेश देते हैं कि वो बाबा नीम करौली को अपना गुरु बनाए। क्यों बनाए, किस लिए बनाए और इससे क्या लाभ होता है, आप इस वीडियो में आज जान पाएंगे। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय से पहुँच सकें। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं प्रभु हनुमान जी की अद्भुत लीला का ये वृतांत। दोस्तों, श्री प्रेम शंकर मिश्र कानपुर स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी थे। आरंभ में तो उनका ईश्वर के प्रति कोई आस्था खास थी नहीं, वो सिर्फ कर्म में विश्वास रखते थे, परंतु सन 1976 से उनके विचार बदले और हनुमान जी के प्रति उनकी आस्था दृढ़ होती गई। कुछ पंडित द्वारा उनके लिए भविष्यवाणी भी की गई थी कि उन्हें आगे चलकर कालांतर में हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होगी और वही हुआ। बाद में हनुमान जी उनसे वार्ता करने लगे और उनका मार्गदर्शन भी करने लगे। जब भी किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय लेना होता, श्री प्रेम शंकर मिश्र जी हनुमान जी की राय अवश्य लेते और हनुमान जी भी उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। ये बात है 21 मार्च 1978 के भोर के 4 बजे की, जब मिश्र जी ने स्वप्न देखा कि हनुमान जी उनके घर पधारे हैं और उन्हें आवाज़ देकर बोले, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांग लो। तब मिश्र जी ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे बताएं कि मेरे किस कर्म से आप प्रसन्न हुए ताकि मैं उन कर्मों को और अधिक से अधिक कर सकूँ। इस पर हनुमान जी ने उनके पिछले जन्म के बारे में कुछ बातें बताई और साथ ही आदेश दिया कि इस जन्म में योग साधना कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए। इस संबंध में मिश्र जी को विस्तृत जानकारी देने के बाद हनुमान जी ने कहा कि उनकी प्रसन्नता का मुख्य कारण कर्म के प्रति उनकी आस्था और विश्वास है। उनके द्वारा बताए गए योग साधना पर चलने का निर्णय लेकर प्रेम शंकर मिश्र जी ने उन्हीं की मूर्ति के सामने योग साधना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार योग साधना करते करते 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाद उन्हें ईश्वरीय संकेत प्राप्त होने लगे। आगे कालांतर में 31 मार्च 1989 को मेरठ में योग साधना करते समय मिश्र जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे उनकी साधना में सुधार के लिए मार्गदर्शन करें। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा कि और तो सब ठीक है किंतु तुमने कोई गुरु नहीं बनाया। मिश्र जी ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, आज तक मुझे जो भी ज्ञान आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ उसके अनुसार गुरु ईश्वर का ही मार्ग बताता है, क्योंकि आप मुझे मिल ही गए थे तो मुझे गुरु की आवश्यकता ही क्या है, और वैसे भी आज के समय में सदगुरु ढूंढ पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। यदि ऐसा गुरु मिल भी जाए तो शायद वह हिमालय की गुफा में ही मिलेगा, जिसकी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने पारिवारिक एवं सांसारिक दायित्व को देखते हुए मेरे लिए तो वहाँ जाना संभव नहीं होगा। तब हनुमान जी ने कहा कि पहले तो गुरु की आवश्यकता समझ लो, फिर योग्य तथा भरोसेमंद गुरु के बारे में विचार करेंगे। आगे हनुमान जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य चाहे कितना ही ज्ञानी हो, केवल अपने दम पर अपने समस्त सांसारिक कार्यों को पूर्ण रूप से संपादित नहीं कर सकता, और यदि अपवाद स्वरूप एकाध घटना में ऐसा संभव भी हो जाए तो वह कार्य पूर्ण होने पर उसके अहंकार से नहीं बच सकता, और वही अहंकार उस मनुष्य का आगे जाकर पतन का कारण बनता है। ईश्वर कर्म से मुक्त हैं, अतः वे अपने प्रिय से प्रिय मनुष्य के लिए भी स्वयं कर्म नहीं कर सकते। ये गुरु की ही महिमा है कि शिष्य जो कार्य भी अपनी क्षमता से पूरा न कर सके उसे शिष्य के लिए पूर्ण करने में सहायता करें। गुरु के होते हुए शिष्य अपनी समस्त उपलब्धियों का श्रेय पूर्ण रूप से गुरु कृपा को ही देकर और समस्त प्रकार के अहंकार और अन्य विकारों से स्वयं को अछूता रख सकता है। परंतु हनुमान जी ने मिश्र जी को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि सतगुरु का चयन कैसे किया जाए। हनुमान जी ने तो उन्हें सीधा आदेश दिया कि वे बाबा नीम करौली को अपना गुरु बना लें। हनुमान जी ने प्रेम शंकर मिश्र जी से कहा कि बाबा नीम करौली ने सन 1973 में महासमाधि ले ली है, अतः उनकी सेवा या कृपा प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस जन्म में एक बार उनके स्थान पर गुरु धारणा तथा गुरु मंत्र प्राप्त करने के लिए जाना होगा, और उन्हीं की कृपा से तुझे मेरी प्राप्ति हुई है और तुम्हारे कई जन्मों की योग साधना उन्हीं के मार्गदर्शन तथा कृपा का सहज परिणाम है। जब मिश्र जी ने पूछा कि निर्वाण के बाद गुरु मंत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो हनुमान जी ने बताया कि ओरा किरणों की साधना करो, जिनके द्वारा किसी भी सिद्ध आत्मा को वायुमय शरीर में पृथ्वी पर बुलाया जा सकता है। तब मिश्र जी ने हनुमान जी से आदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद कानपुर आए और उन्होंने गुरु महाराज को अपना गुरु मान लिया। इसके बाद वह ओरा किरणों की साधना में लग गए। साधना के दौरान बाबा महाराज के स्मरण मात्र से ही उनका शरीर रोमांचित हो उठता और हृदय में ऐसी अनुभूति होती
जिसे जन्म जन्मांतर से खोजी जा रही मणि तुरंत ही प्राप्त हो गई है। मिश्र जी अपने परिवार के साथ 15 जून 1989 को कैंची आश्रम के लिए घर से चले। नैनीताल के लिए ट्रेन लखनऊ से लगभग रात के 8 बजे थी, लेकिन वो लोग प्रातः ही लखनऊ पहुँच गए। फिर सायंकाल में हनुमान सेतु मंदिर में बाबा महाराज की प्रतिमा के उन्होंने दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर 16 जून को वो कैंची आश्रम आए, और वैसे भी 15 जून को कैंची में भक्तों का बहुत बड़ा जमावड़ा था क्योंकि वहाँ भंडारा होता है, इसलिए 16 जून को स्थान रिक्त नहीं था, जिससे उनके मन में शंका हुई कि यहाँ आने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे कहा कि वो स्नान ध्यान और दर्शन के बाद वापस चले जाएँ, क्योंकि उनके लिए यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। परंतु बड़ी ही रोचक घटना घटी कि स्नान करने के पूर्व ही मिश्र जी समाधिस्थ हो गए और महाराज जी के चित्र को सामने रखकर उनका ध्यान करने लगे। ध्यान में प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी, मैंने इष्ट देवता के आदेशानुसार आपको गुरु मान लिया है और सुना है कि गुरु शिष्य के कल्याण के लिए सारी व्यवस्था स्वयं करते हैं। इस विषम परिस्थितियों में मैं बिना रात्रि में रुके कैसे गुरु मंत्र प्राप्त कर सकता हूँ। तभी अचानक एक सज्जन दौड़ते हुए आए और बोले कि गुरु महाराज ने किसी को स्वप्न आदेश दिया है कि मंदिर के बाहर रुके हुए तथा कानपुर से आए हुए प्रेमशंकर मिश्र और उनके परिवार के ठहरने की व्यवस्था तुरंत की जाए। फिर तो पूरे आश्रम में खलबली मच गई, सभी अपने कमरे में ठहरने का निमंत्रण देने लगे। तत्पश्चात प्रेमशंकर जी ने स्नान आदि किया और एक कमरे में जाकर आराम से ठहर गए, और पूर्व योजना के अनुसार दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में ओरा किरणों की साधना शुरू करी। करीब 15-30 मिनट के बाद महाराज जी ने अपने पूर्व वायु में शरीर में दर्शन दिए। पूरा वातावरण एक अनोखी खुशबू से भर गया और उनके शरीर का रोम रोम रोमांचित हो उठा। पूजा अर्चना के बाद गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया एवं आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। प्रातः 9 बजे वो कैंची आश्रम से चले और वापस घर लौट आए। तत्पश्चात जन्म भर बाबा महाराज उनके गुरु बने रहे और महाराज जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए वे हनुमान जी की साधना करने लगे और ईश्वर के मार्ग को प्रशस्त हुए। दोस्तों, यह घटना बड़ी ही अलौकिक भी है और यह सत्य भी है। परम पूज्य बाबा महाराज जी के सरल दिखने के पीछे मुख्य कारण यह नहीं है कि वे बहुत ही साधारण है, अभी तो मुख्य कारण यह है कि वे बहुत ही कठिन है, परंतु उन तक पहुँचना बहुत सरल है। उन्हें प्रेम से उस सत्य के मार्ग पर चलकर बहुत ही आसानी से पाया जा सकता है। अगर आप महाराज जी को निरंतर स्मरण रखते हैं और अपने सारे कर्म उनको समर्पित करके रखते हैं, तो यकीन मानिए महाराज जी हर समय आपके साथ ही चलते हैं। आप जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, जो विचारेंगे, जो करेंगे, सब कुछ उनकी दृष्टि में होता है, और वास्तव में इसी में भक्त का कल्याण होता है। अगर आप अपने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर इस जीवन को पूर्ण कर पाते हैं, तो आप इस मायावादी जन्म के झूठे और अनैतिक कर्मकांड से बच जाते हैं और आपका ईश्वर के प्रति मार्ग और ज़्यादा प्रशस्त होता है और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थों को सेवा करते रहिए और सभी ज़रूरतमंदों को ईश्वर का स्वरूप मानकर उनकी मदद करते रहिए। जय सियाराम।